गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा आपकी थाइस को टोन करने की और बूटी को इंक्रीज करने की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज लेकर आई है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके हिप्स बहुत अच्छी शेप के हो जाएंगे, आपकी लेग्स भी बहुत सेक्सी होने वाली है। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े बिल्कुल भी नहीं, और फॉलो करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते तो हैं बट अपने ऊपर आजमाने के टाइम आलस कर देते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी बॉडी में से उस आलस को ख़त्म करना है, राइट? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है वो एक्सरसाइज, कैसे करना है, कितने हैं उसके रैप्स। और लेकिन उससे पहले ऐसा थोड़ी ना जाने दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @ishamehra, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो इतना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक करने में कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, लाइक करो, जमकर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस, जिसको हम करने वाले हैं वेट के साथ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डंबल्स का। अगर आपके पास डंबल नहीं तो डोंट वरी, प्लीज आप वाटर बॉटल का भी इजीली इस्तेमाल करके ये वाली एक्सरसाइज को आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसको करना है आपने 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। ये आपकी थाइस को बहुत सुंदर बना देगा और एक्स्ट्रा फैट जितना भी है ना वो बिल्कुल चला जाएगा। इनफैक्ट आपकी बूटीज भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। तो इसके लिए डंबल्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और अपनी वन लेग को आप आगे कर लीजिए इस तरीके से, अदर लेग में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि आप अपना बॉडी वेट मैनेज कर सकें। नी आपने मैट से टच नहीं करना, इस तरीके से बेंड करना है, देन बैक, ठीक है? आपका ये नी आगे नहीं जाएगा, बैलेंस रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। आपने थाई के मसल को स्क्वीज करना है, ग्लूट मसल को स्क्वीज करना है, जिससे कि आपकी यहाँ का कट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने आपको वन लेग पर परफॉर्म करके दिखाया है लेकिन आपको अदर लेग पे भी परफॉर्म करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, ठीक है? स्क्वाट में लेकिन आपने लेग को वाइड करना है, देन जॉइन करना है, देन अप होना है। कैसे, चलो देखो। इसके लिए आप लेग्स में अपने शोल्डर जितना गैप मेंटेन कर लो, आपके नीज मेक श्योर आपके टो से आगे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, बैलेंस रहेंगे। हिप को आपने बाहर की साइड निकाल कर रखना है, बैक को आपने स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से अपने हैंड पे पोजीशन ले लीजिए, आप किसी वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, देन बैक, ठीक है? देखा आपने, मैं डाउन हुई, ज्वाइन करा, वाइड करा, देन अप, ठीक है? इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। आपने लॉक्स नहीं खोलने हैं अपने घुटनों के। बहुत सारे लोग स्क्वेट करते टाइम एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं लेग को, ऐसा करने से फ्यूचर में हमारे घुटनों पे दर्द की शिकायत होने लगती है, ठीक है? 20 टाइम्स हमें इसको करना है और इसके करने हैं हमें 4 सेट्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट। कैसे करने हैं देखते जाइए। इसको आपने करना है 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट। सेम आपने अपने लेग्स ओपन करा, आपने हैंड टच करने हैं जमीन से या मैट से, देन लेग्स जॉइंट, देन अप, ठीक है? इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको जरूरत होगी वाटर बॉटल की या डंबल की। वैसे डंबल जो वाटर बॉटल होगा वो बीच में से स्लिम नहीं होता, जैसे ये है हमारे भाई साहब वैसे स्लिम नहीं होते हैं, तो उसको होल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो मेक श्योर आप ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं डंबल्स आप ले लें, क्योंकि पूरे ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छे से टोन करते हैं। इसके लिए आप मैट पर अपने हैंड को ऐसे प्लेस करें, अपने लेग्स को इस तरीके से मैट पर रख लीजिए फोल्ड करके, लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करें, हिप को बाहर के साइड करके रखें। यहाँ पे आपने इसको होल्ड करना है, मिडल से ग्रिप बनानी है अच्छे से ताकि आपको चोट ना आए। देन बाहर के साइड डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके आपको करने हैं 4 सेट। रिलैक्स, यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको इस तरीके से मैट पर लेट जाना है पीठ के बल। अपनी एक लेग को आपने फोल्ड रखना है इस तरीके से, वन लेग को अप करना है, अपने हिप को ऊपर की तरफ स्क्वीज करते हुए, देन डाउन अप डाउन, ऐसा आपको करना है 20 बार और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। सेम इसमें भी ये ब्रीथिंग प्रोसेस रहता है, जो भी लेग वर्कआउट है, जब आप अपनी बॉडी को अप लेके जाते हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं, जब डाउन लेके जाते हैं तो ब्रीथ इन करते हैं, राइट? रिलैक्स, मैंने आपको ये वन साइड करके दिखाया है, लेकिन आपको अदर साइड पे भी सेम 20 बार करना है। 20 टाइम्स आपको करना है राइट साइड, 20 टाइम्स आपको करना है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको अपने हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, अपने हिप को बाहर के साइड करते हुए अपनी वन लेग को मैट के थोड़ा सा कॉर्नर में कर लेना है। आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल कॉर्नर में करा हुआ है। आपने अदर लेग को इस तरीके से वाइड करना है, देन उसके बाद आप डाउन अप डाउन, ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और इसके आपको करने हैं एटलीस्ट 4 सेट, ठीक है? तो चलिए मैं आपको वन साइड करके दिखाऊंगी, आपने बोथ साइड करना है। गुड जॉब, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हैंड को ऐसे मैट पर प्लेस करेंगे, उसके बाद आपने डोंकी किक्स करने हैं, लेकिन आपने 3 बार अप लेग को ऊपर लिफ्ट करना है ऐसे। कैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3, देन आप वहीं लेकर आएंगे अगेन ऊपर, 1 2 3, अगेन वहाँ पर, ठीक है? ऐसा आपने 20 टाइम्स करना है बोथ साइड। मैं आपको वन साइड करके दिखा रही हूँ और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपनी हाफ एल्बो तक अपनी आर्म को ऐसे मैट पे प्लेस करना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी सिर्फ नी को मैट पे टच करना है, बाकी बॉडी को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करके रखना है और अपनी लेग से दूसरा हैंड अपने वेस्ट पर, देन सर्कल क्रिएट करना है। ये आपके हिप को बहुत अच्छे से टोन करती है। ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स, राइट?
और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। अब आपको मैं अदर साइड पे करके दिखाती हूँ। रिलैक्स। तो आपकी यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन वाला लेग वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्यार तो दे दो कमेंट के थ्रू, है ना। और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा अकाउंट है @ishamehra। ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइजेस देखने के लिए छोटा जो घंटी आइकन होता है ना उसको जरूर बजा दिया करो, वो भी ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि जब भी आपकी ईशा आपके लिए कुछ नया लेकर आए तो आपके पास टन टन घंटी बज जाए कि हाँ कुछ नया आ गया है। तो चलिए हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।